हेलो गाइस, आ गया फिर मैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रिक्वायरमेंट के साथ। गाइस, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। गाइस, चलिए स्टार्ट। गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम तेहरान इंटरनेशनल की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। और ये फ्रेशर को अप्लाई कर मतलब ले रहे हैं जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स के लिए दुबई के लिए रिक्वायरमेंट है। हेल्पर चाहिए, जनरल हेल्पर चाहिए, और 800 से 900 इनका सैलरी होगा दिरहम में। और इनको फूड का अलग से कुछ अलाउंस मिलने वाला है क्योंकि इनमें नो फूड लिखा हुआ है, तो इनका इट मीन्स कि आपको फूड के लिए अलग अलाउंस मिलेगा। उसके लिए जो हेल्पर चाहिए, कहाँ कहाँ इनका यूज होगा, लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, केबल पुलिंग के लिए, किचन हेल्पर के लिए, फायर फाइटिंग हेल्पर के लिए, जनरल क्लीनिंग के लिए, पैकिंग एक्टिविटीज़ के लिए, हेल्पिंग टेक्नीशियंस के लिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट और बेनिफिट्स, जो इनका नो एजुकेशनल नो रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर आप 10th हो, 12th हो, कोई भी हो चलेगा, अगर ना भी हो तो चलेगा। और पोलाइट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग वाला होना चाहिए, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों होनी चाहिए, इंग्लिश मतलब मीडियम जो जनरल इंग्लिश होता है वो जानना समझ में आना चाहिए, उसके बाद हिंदी होना, उसके बाद प्लेजेंट प्रोफेशन पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए। एकोमोडेशन विल बी अरेंज एज पर द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, वो जो है आपको एकोमोडेशन जो है उनके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपडेट रिज्यूम ले जाना होगा, ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाना होगा, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, 1 फोटो लेना पड़ेगा। इनका जो व्हाट्सअप नंबर है मैं इनमें मेंशन कर देता हूँ, आप इनका कांटेक्ट कर लीजिएगा, CV भेज दीजिएगा, आपका रिक्वायरमेंट बुक हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट जो है आपको क्या बोलते हैं ओमान का है, और ये इंटरव्यू जो है आपको यहाँ नहीं है, वो विशाखापट्टनम के लिए है। HSC ऑफिसर का निबूस ओनली लेगा, 18 क्वांटिटी है, दो ओमान के लिए 2250 ओमानी रियाल। फैब्रिकेटर्स चाहिए, पाइप स्ट्रक्चर का, वेल्डर चाहिए 6G, और स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मेसन चाहिए, मेसन ब्लास्टर प्लास्टर चाहिए, और मेसन ब्लॉक चाहिए, मेसन टाइल्स चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, सेटिंग कारपेंटर चाहिए। इन लोग का सैलरी जो है 85-85 और जो मेसन ब्लॉक है उनका इलेक्ट्रिशियंस का 100 है, और वेल्डर का 100 है, बाकी फैब्रिकेटर का 120 है, और HSE ऑफिसर्स का 250 है। गाइस, 8 घंटे की ड्यूटी है, OT प्लस OT है, फ्री फूड है, फ्री एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एज लिमिट 21 से 45 होनी चाहिए। फ्रेशर विद 8 ईयर्स इंडियन एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस, अगर फ्रेशर कोई बंदा है तो उसके कम से कम 5 साल का गल्फ इंडियन एक्सपीरियंस चाहिए, और गल्फ एक्सपीरियंस कैन रिटर्न कैन अप्लाई। अगर कोई गल्फ एक बार आ चुका है उनके लिए अप्लाई के लिए रास्ता खुला हुआ है। इनका नंबर है, डिटेल है, कॉन्टैक्ट कीजिए, CV भेजिए और अपना सीट बुक कीजिए। गाइज ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये सब लिमिट टाइम के लिए होता है, 1 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के कॉन्टैक्ट में जाएगा तो वो देखेगा वीडियो, और उनको जरूरत होगी तो वो अपना अप्लाई करेंगे, बात करेंगे, इंटरव्यू में अटेंड हो पाएगा। मैन बात ये होती है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप भी देखा कीजिए। और हाँ, मेरे अगर चैनल का बेल आइकन को अगर प्रेस कर देते हैं तो जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, जल्दी देखिएगा, जल्दी आपका काम होगा, जितना जल्दी आप अप्लाई कीजिएगा उतना जल्दी आपका काम होगा। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।